जो नदी है, कृष्ण नदी निकलती है अपन की महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर पहाड़ी, और ये पहाड़ी पड़ती है अपनी महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। और इस जगह से निकलनी है अपनी कृष्णा नदी। इस जगह से कृष्णा नदी निकलनी है, और निकलने के बाद में इसमें एक नदी आके मिलती है, और उस नदी का नाम है कोयना नदी। कौन सी नदी? कोयना। और कोयना नदी सर्वप्रथम इसमें आके मिलती है। किस नदी में? कृष्णा। कृष्णा नदी। ये अपन की कृष्णा नदी है, और कृष्णा नदी में मिलती है कोयना नदी। इसके बाद में और आगे चलती है ये कृष्णा नदी, और थोड़े और आगे चल के और इसमें एक नदी आके मिलती है, और उस नदी का नाम है तुंगभद्रा नदी। कौन सी नदी तुंगभद्रा, है? तुंगभद्रा नदी। और तुंगभद्रा नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है, और उस शहर का नाम है विजयनगर। कौन सा शहर बसा हुआ है? विजयनगर। सकल की जरूरत नहीं है। विजयनगर शहर बसा हुआ है। इसके बाद में दूतिया के थे तुंगभद्रा उसका नदी लग में नहीं भी थे। एक नदी आके मिलती है, और उस नदी का नाम है अंगरी नदी। कौन सी नदी आके मिलती है? हंगरी अंगरी नदी। अंगरी नदी तुंगभद्रा नदी में आकर मिलती है। इसके बाद में कृष्णा नदी और आगे जाती है, और आगे जाने के बाद इसमें एक नदी आके मिलती है, और जिसका नाम है घाट प्रवाह नदी। घाट सकल को ले रहा प्रवाह हूँ, बोर्ड को ले रहा हूँ, बोर्ड नदी। पे ले रहे फिक्स। इसके बाद में ये कृष्णा नदी और आगे जाती है, और आगे छतरी जाने के फिक्स बाद कलर पेंट आता, इसमें पेंट एक पेंट नदी और पेंट मिलती आता है, पेंट। और उस नदी का नाम है माल प्रवाह नदी। कौन सी नदी? माल प्रवाह नदी। इसके बाद में कृष्णा नदी चलती है और चलती है, और जाने के बाद में इसमें एक नदी और जाके मिलती है, और उस नदी का नाम है भीमा नदी। कौन सी नदी? भीमा नदी। भीमा नदी जाके मिलती है। इसके बाद में कृष्णा नदी है जो प्रवेश करती है अपने कहाँ पर? कर्नाटक में, सॉरी आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है ये? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है, और आंध्र प्रदेश में चलने के बाद में इस पे एक बांध बना हुआ है, और उस बांध का नाम है अलमाटी बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? अलमाट अलमाटी अलमाटी बांध। इसके बाद में ये नदी और चलती है कृष्णा नदी, और आगे जाने के बाद में ये नदी प्रवेश करती है कर्नाटक में। हाँ, प्रवेश करती है कर्नाटक में। इसके बाद में और चलती है आगे कृष्णा नदी, और चलने के बाद में इसमें एक नदी आके मिलती है, और वो आके मिलती है मूसी नदी। कौन सी नदी? मूसी। मूसी नदी आकर मिलती है, और मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? हैदराबाद। कौन सा शहर बसा हुआ है? हैदराबाद। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद में कृष्णा नदी और आगे चलती है जाने के बाद में, और एक नदी आती है जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और उस नदी को जाना जाता है गोदावरी नदी। और कृष्णा नदी किस में जाकर मिल जाती है? गोदावरी नदी में। और गोदावरी नदी इसका जल ले जाती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में जा करके, और कृष्ण नदी का जल छोड़ देते हैं।